मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें जिसने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया। वो स्वर्ग छोड़कर आया इस पृथ्वी पर। उसका वचन कहता था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम दो वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय वचन 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। तो उस पर भरोसा रखें, उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने अपने आप को हम सबके लिए दे दिया। तो वो आपकी मुसीबतों को हटाने वाला है, वो मुसीबत आपकी मुसीबतों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है और जो अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, परमेश्वर उनके समीप रहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास करो, उनके वचनों पर विश्वास करो। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। किसी के कारण आपको मन में शांति नहीं है तो परमेश्वर के सम्मुख बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको वो शांति देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है ये सब संसार, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो संसार तुम्हें देता है मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। संसार से कई ज्यादा बढ़कर वो आपके जीवन में सुख शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं परंतु यहोवा उनको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने हमें रात भर संभाला, एक सुंदर सुबह दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर को भूलें ना, उसको जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। हमारे घर परिवार को परमेश्वर ने संभाल के रखा क्योंकि उसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, उनके वचनों पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको निराश जीवन में आनंदित करेगा। हालेलुया। तो अपने आप को नम्र करो, दीन करो और परमेश्वर के सम्मुख चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे मेरे पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी, दीन करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से, अचानक आने वाले हर एक उन रोगों से प्रभु जी आपने मेरी रक्षा की। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ कितने लोग प्रभु जी आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी हम आप में भले चंगे हैं पिता परमेश्वर, हम आप में सुरक्षित हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आपका वचन कहता है
मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक उन रोगों से प्रभु जी बचा के रखा प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है, तूने जो मुझसे इसने किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा, तू जब मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। यस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने वचनों के अनुसार आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमारी मदद करते हो प्रभु जी, आप हमारी सहायता करते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि वो मन में उदास है पिता परमेश्वर, बेचैनी है, टूट गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ। प्रभु जी अपने सामर्थ अपने बल से भरिए, और जिन हिस्सों में पिता परमेश्वर कमजोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन हिस्सों में उन्हें मजबूत कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया प्रभु जी, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको सब विपत्तियों से छुड़कारा देता है, छुड़ाता है, निकालता है। यश पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचनों के अनुसार प्रभु जी अपने बेटा बेटियों पर पिता परमेश्वर, दास दासियों पर प्रभु जी अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, हर एक चिंता को उनके दिल हृदय से निकाल दें, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वह उसे पूरा करेगा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो शांति का सुसमाचार है प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी उनकी सहभागिता करें पिता परमेश्वर, आप उसमें उपस्थित हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जिस नगर जिस गांव में जाएं पिता परमेश्वर, अद्भुत रीत से लोग वाह प्रभु जी आपको अपना जीवन देने वाले बने पिता परमेश्वर, उनके वचन सुनकर प्रभु जी आपको महिमा करने वाले बने, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे तूने मुझे संसार में भेजा है मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। तो हे पिता उनकी रक्षा कर, उनकी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, हाँ उनकी मदद कर, रक्षा कर, सहायता कर पिता परमेश्वर, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी प्रभु जी अभी तक प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु जी आप उनके दिन को बदल दोगे पिता परमेश्वर, एक आशीषित भरा दिन कर दोगे मेरे पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी उनके जीवन से अपने नाम की महिमा पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक उपद्री मनुष्य, हर एक छली मनुष्य प्रभु जी आप हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं। हमारे बोल चाल से प्रभु जी, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने, मेरी मदद और सहायता करना, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।